फैशन और लाइफस्टाइल के मैं वीडियोस बनाती हूँ. एंड ये जो वीडियो है गाइस, दिस इज द रिव्यू एंड स्वाश ऑफ एंड बाय लिक्विड लिपस्टिक एज वेल एज द क्रीमी मैट लिपस्टिक. एंड आपने मेरे purple.com शॉपिंग हॉल देखा होगा, वो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ. नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डाल दूंगी यहाँ पे. और वो मैंने 2 weeks ये लिपस्टिक यूज़ की, लॉन्ग लास्टिंग कैसी है और कितनी अच्छी निकली ये लिपस्टिक्स और इनका प्राइस वगैरह, सो वो सब मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगी. बट उससे पहले, इफ़ यू आर वॉचिंग माई चैनल फर्स्ट टाइम, देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड टैप द नोटिफिकेशन बेल फॉर माई अपकमिंग वीडियोज. ओके, सो ज़्यादा बात ना करके लेट्स मूव टू द वीडियो. ओके गाइज, सो आपने ऑलरेडी मेरे purple.com पे देखा था, जिन्होंने नहीं भी देखा है वो ये देख ले. मैंने ये 3 लिक्विड लिपस्टिक्स मंगाई थी, लिक्विड एंड बाय बे के जैसा ब्रांड है, जिसकी मैंने 3 लिक्विड लिपस्टिक मंगाई थी और 2 ये क्रीमी लिपस्टिक मंगाई थी. सो अब मैं इन्हीं का रिव्यू एंड स्वाश दूंगी. बट उससे पहले मैं बताना चाहूँगी, जो इनकी लिक्विड लिपस्टिक है ये बहुत ही ड्राई निकली. लॉन्ग लास्टिंग के मामले में इट्स वेरी नाइस. मैंने मॉर्निंग से लेके कि मतलब 12 आवर्स तक का जो वो किया था, मतलब कोशिश की थी 12 आवर्स तक कितनी है, तो लॉन्ग लास्टिंग तो काफ़ी अच्छी रही लिक्विड लिपस्टिक की. बट ये बहुत ड्राई है. अगर आपने अपने लिप्स पे कुछ भी लिप बाम वगैरह नहीं लगाया तो ये आपके लिप्स को बहुत ज़्यादा ड्राई कर देंगे. और जो क्रीमी मैट लिपस्टिक है वो ठीक है, वो आप लगा सकते हो, बट वो लॉन्ग लास्टिक नहीं है और मैट फिनिश नहीं है, जस्ट नॉर्मल लिपस्टिक जो हम लगाते हैं उसी की तरह है. ओके गाइस, और इनके प्राइस के मामले में जिस हिसाब से ये मुझे लिक्विड लिपस्टिक 131 की पड़ी थी और NYBA की ये जो लिपस्टिक है ये मुझे 100 rupees के आसपास पड़ी थी. मुझे प्राइस इतना याद नहीं है बट मैं यहाँ पे ऑलरेडी लिख दूंगी और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी, लिंक भी डाल दूंगी, सब कुछ डाल दूंगी. तो डोंट फॉरगेट टू चेक माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स. और बट ठीक है, प्राइस के हिसाब से ठीक निकली. और बस मैं अब इनका रिव्यू एंड स्वाश देती हूँ. जो एक्सपायरी है वो 3 साल की एक्सपायरी है. सबसे पहली जो लिपस्टिक है NYBA की लिक्विड लिपस्टिक, ये है पिंक कलर की और इसका जो शेड है ये 5 है, एम्पायर स्टेट वर्दी एंड 5. और ये 3 साल की इनकी एक्सपायरी है. इनके साथ ये इस तरीके का एप्लीकेटर आया है, बट ये एप्लीकेटर बहुत ही मतलब सॉफ्ट है. ठीक है, अब मैं इनका आपको श्वास दे देती हूँ. ये पिंक कलर मेरे पास नहीं था, आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ पिंक कलर, सो ये कुछ इस तरीके की है. आप देख सकते हो ये पिंक कलर की जो लिपस्टिक है, आई लव दिस कलर, लव दिस पिंक कलर. एंड मैं इनका ऑलरेडी यूज़ कर चुकी हूँ और अभी मैं आपको यहाँ पे पिक्चर अप्लाई कर दूँगी तो वो भी आप देख लेना, इट्स वेरी नाइस. तो लिक्विड लिपस्टिक पर ये बहुत जल्दी ड्राई हो जाएगी, आप देख रहे हो अभी बहुत ही जल्दी ड्राई हो जाएगी आपके लिप्स पे भी. तो ये थी मेरी फर्स्ट लिक्विड लिपस्टिक. इसके बाद जो ये मैंने जो ली है और प्राइस इनका 131 है गाइस ईच लिक्विड लिपस्टिक का. एंड दिस वन इज वेलवेटी अंडर द ग्राउंड एंड शेड नंबर इज 3 एंड वेलवेटी अंडर द ग्राउंड. और दिस वन इज ये भी लिक्विड लिपस्टिक है. अब मैं इसका भी आपको स्वाश दिखा देती हूँ और बहुत ही जल्दी ये ड्राई हो जा रही है, आप देख सकते हो. ये कुछ इस तरीके की है और ये देखिए ये कुछ इस तरीके की है और बहुत जल्दी ड्राई हो गई, बहुत जल्दी ड्राई हो गई और लिप्स पे ही बहुत जल्दी ड्राई हो गई. तो इनको अप्लाई करने से पहले आप लिप बाम लगाना नहीं भूलेगा. और आप जा सकते हैं 131 में, बेकार नहीं है, अच्छी है, गो फॉर इट. बट नेल पेंट मैंने इनके लिए थे वो अच्छे नहीं थे, प्लीज़ डोंट गो फॉर इट. ये मेरी सेकेंड लिपस्टिक है. इसके बाद जो मेरी थर्ड लिक्विड लिपस्टिक है वो है गाइस ये पिंक कलर और इसका जो शेड है वो है 12 एंड सिटकॉम स्पेशल 12 है. 3 साल की एक्सपायरी है, 131 का इसका भी प्राइस है. और ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ, ये कुछ इस तरीके की है, आप देख सकते हो डार्क पिंक. ये आई लव दिस कलर. तो लिक्विड लिपस्टिक 131 के हिसाब से काफ़ी सही रही, बट की लॉन्ग लास्टिंग बहुत ही ज़्यादा है और मैट है, लिक्विड है, तो आप इसके लिए भी जा सकते हो 131 की. दिस वन इज़ माई थर्ड लिपस्टिक. इसके बाद जो मैंने ये क्रीमी लिपस्टिक्स ली हैं, ये जो है ये मुझे 100 rupees की ही पड़ी थी और ये भी शेड नंबर 3 है और ये 4.2 gram है. एंड बाय बे मैट लिपस्टिक है और 3 साल की इनकी एक्सपायरी है. ये ब्राउन शेड है कुछ इस तरीके का, आप देख सकते हो. ये मैं इसका स्वाद ये देखिए, ये बहुत ही क्रीमी है, बहुत ही क्रीमी है, दिख रहा हो तो बहुत ही क्रीमी है. और ये ब्राउन शेड है. इस कलर की लिपस्टिक नहीं थी मेरे पास, सो मैंने ये परचेज़ की. दिस वन इज़ माय फोर्थ लिपस्टिक, आप देख सकते हो. इसके बाद जो ली है मैंने गाइस वो है 11 शेड है इसका और ये है फियरलेस फ्री मैन, फियरलेस फ्रीलैन 11 शेड और ये पिंक कलर की है. शाइनी है थोड़ा सा और ये भी आप देख सकते हो. ये मैट है, दिस वन इज़ मैट. दोनों अलग अलग हैं, ये वाली क्रीमी है, ये वाली मैट है, मैट फिनिश दे रही है. आप इसका भी स्वाद देख सकते हो. एंड दिस वन इज़ माई लास्ट लिपस्टिक. सो गाइज, ये था मेरा छोटा सा वीडियो एंड आई होप आपको ये बहुत ही यूजफुल रहा.
होगा एंड मेरे लिप्स पे कैसे लगेंगे. अभी मैं इनकी पिक्चर्स इंसर्ट कर दूंगी और आपको अभी आगे वीडियो में ये भी दिखा दूंगी. ओके गाइज, आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा. सो 5 out of इनको मैं 3.5 देना चाहूंगी. आप जा सकते हो, ले सकते हो. प्राइस के मामले में ये ठीक है और क्वांटिटी भी सही है. सो गो फॉर इट. और ये लिपस्टिक आप ट्राई कर सकते हो. ओके, नाइस है. एंड बाय बेग ने थोड़ा सा लिपस्टिक के मामले में सही निकला, बट नेल पेंट के लिए मत जाइएगा, काजल के लिए मत जाइएगा. आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड फ्रॉम दैट. ओके गाइज, ओके.